इस शिक्षण सत्र के कक्षा पहली से दसवीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल तकनीक से पढ़ाई कराई जाएंगी। उनकी किताबों पर QR कोड होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक ऑडियो, वीडियो, PPT और PDF माध्यम से पढ़ाई करवा सकेंगे। स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने इस शिक्षण सत्र के लिए विभिन्न विषयों की 67 किताबें तैयार की हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो किताबें की जगह वीडियो और ऑडियो से पढ़ाई करते हैं। मार्केट में आई हिंदी मीडियम की बुक्स मार्केट में QR कोड की बुक्स आ गई हैं। यह फिलहाल हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग विषयों में आई हैं। NCERT ने फिलहाल हिंदी मीडियम की 3040 बुक्स पर QR कोड अंकित किए हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो, PPT और PDF के रूप में पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है। इस ऐप का करना होगा उपयोग। इन QR कोड का उपयोग दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे ही आप दीक्षा ऐप के जरिए इस कोड को स्कैन करेंगे, वो दीक्षा पोर्टल पर पहुंच जाएगा। साथ ही उन्हें पोर्टल पर मौजूद तमाम स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में ऑडियो और वीडियो अटैच हैं। इनकी मदद से इनको अपडेट कर सकेंगे और पढ़ाई भी कर सकेंगे। डाउनलोड कर पढ़ा सकते ऑफलाइन कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही दीक्षा पोर्टल पर स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है। इसमें कार्टून कैरेक्टर के जरिए पूरे पाठ को रोचक अंदाज में समझाया गया है। इन्हें डाउनलोड करने के बाद इनको ऑफलाइन भी उपयोग किया जा सकता है। इस सत्र से पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। स्कूलों में बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके टेस्ट में कितने अंक आए हैं और जो होमवर्क उसे स्कूल की ओर से दिया जाता है वे उसे पूरा करके लाता है या नहीं, इस प्रकार की जानकारी अब पेरेंट्स को ऑनलाइन मिलेगी। शहर के CBSE और MP बोर्ड से संचालित विद्यालयों द्वारा इस सत्र से स्टूडेंट्स की साप्ताहिक और मंथली रिपोर्ट पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इससे पेरेंट्स को पता होगा कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है और किस में बेहतर है। साथ ही पढ़ाई के अलावा स्कूल की अन्य एक्टिविटी में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी तक PTM में ही अभिभावकों को बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था, जिस कारण उनको बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र योजना के आवेदन शुरू। MP बोर्ड ने कक्षा 12वीं में स्कूल लेवल पर बेहतर स्कोर करने वाले छात्र छात्राओं को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र योजना का फायदा मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके आवेदन स्कूलों को भेज दिए गए हैं। इसमें मेधावी छात्र छात्राओं के नाम स्कूल स्तर पर भेज जाएंगे। इसमें विद्यार्थी की अंक सूची और पासबुक की फोटोकॉपी भेजनी होगी।